प्रोफेसर साहब, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने सुजल और कशिश को मुंबई जाने की परमिशन दी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हेलो। हाँ पंडित जी, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, मैं कह दूंगी। सुजल और कशिश की शादी का मुहूर्त 7 अक्टूबर का निकाला है पंडित जी ने। That's excellent. 7 अक्टूबर तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? प्रोफेसर साहब, कशिश हमारी भी बेटी है, आप किसी बात की चिंता या फिक्र मत कीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। वीना, प्रोफेसर साहब को मिठाई नहीं खिल पाओगी? हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। Oh, I'm so excited. बहुत खुश हूँ मैं आज। लो भाई, मिठाई आ गई। लीजिए। मैं तो भाई पूरा लूंगा। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। बसु, अच्छा इजाजत दीजिए दोस्त। ऐसे नहीं समधी जी, गले नहीं लगिएगा। ये क्या बात हुई सी जी, नए समधी आते तुम पुराने समधी को भूल गए? मुबारक हो प्रोफेसर जी। नमस्कार। अब आपको और क्या चाहिए? महक दी, जब सुजल भैया सब कुछ छोड़कर आपकी दुनिया से चले गए थे तो फिर आपने उन्हें क्यों रोका? क्यों दी, जवाब दीजिए, दीजिए जवाब। तुम सच जानना चाहती हो ना महक, तो सुनो, माफी उस इंसान को दी जाती है जिसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन सुजल, बस दी, बहुत हो गया ये नफरत का खेल। नफरत का खेल? नफरत का खेल मैं खेल रही हूँ? नफरत का खेल तो सुजल खेल रहा है हमारे साथ। मैं सुजल आज भी पीयूष से नफरत करता है, वरना वो उनके सपनों के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करता। दी? हाँ मैं, पीयूष के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन हमने खरीदी थी सुजल ने बगैर किसी को बताए वो जमीन बेच दी। और तुम चाहती हो कि मैं सुजल को माफ कर दूं? कभी नहीं मैं, मैं सुजल को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी। लेकिन दी, बस महक, बस। कब सुजल भैया को गलत समझती रहेंगी? कब तक? ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जो आप सोच रही हैं वही सच हो। नहीं ललित, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती हूँ। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती हूँ ललित। सुन रहे हैं तुम क्या कह रही हो? I cannot be a part of this wedding. मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ हो रहा है वो सुजल की वजह से हो रहा है। कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में ऐसा? वो इस परिवार का सदस्य है। Exactly. इसीलिए मुझे जाना ही होगा। अब संजना उस परिवार की बहू बन गई है और अगर उसे मेरी वजह से कुछ भी सुनना पड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। और वैसे भी ललित, मैं थोड़े ही दिन के लिए जा रही हूँ, वापिस तो आ ही रही हूँ। वसुंधरा, आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट कन्विंस्ड। ओह ललित, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। और मैं तुम्हारे जाने से सहमत नहीं हूँ। ललित,
प्लीज फॉर गॉड्स सेक तुम समझने की कोशिश करो ललित। शायद तुम सही कह रही हो वसुंधरा, तुम्हारा इस शादी में ना होना ही ठीक है। सुजल जी, मामा बहुत खुश हो ना? मैं नहीं जानता मामा, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं अगर उसे खुशी कहते हैं तो मैं बहुत खुश हूं। मेरी भगवान से हमेशा ये प्रार्थना है कि मेरा बेटा ऐसे ही खुश रहे। आप तो जानती हैं मामा कि मेरी खुशी सिर्फ दो लोगों, एक है आप और दूसरी क्या है? यू आर टू स्वीट। चल कशिश और सुजल की शादी तय हो गई है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर? That's great news. अब तुम्हें क्या हो गया? तुम अब तक यहाँ पर खड़ी हो? हाँ, तैयारियाँ करनी है, जल्दी चलो, टाइम नहीं है। दी, congratulations. Hey कशिश, सुजल वेड्स कशिश on 7th October. Yes. पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। कशिश, ये फैसला तुम्हारा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा ये फैसला सही फैसला हो। पंडित जी से कहना सत्यनारायण की कथा जरूर होनी चाहिए। जी कह दूंगी। ललित, ये क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, हम सब नहीं, सिर्फ मैं लंदन जा रही हूँ। सब ठीक तो है ना? नहीं वीना, सब ठीक नहीं है। मेरी सहेली सिमी, तुम सब उसे जानते हो ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है तो मैं उसे मिलने जा रही हूँ। वासु, दिस इज रियली बैड। वापस कब लौटोगी? वो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, सिमी की तबीयत पर निर्भर है। लेकिन वसु, सुजल की शादी तक तो आ जाओगी ना? मैंने कहा ना, मैं कुछ पक्का नहीं कह सकती हूँ। क्या बात कर रहे हो मम्मी जी? मम्मी जी, आपके बिना सुजल भैया की शादी कैसे हो सकती है? है ना मॉम? मैं, मम्मी जी आप गुस्सा क्यों हो रही है? ठीक है, जाने से पहले एक बार संजना से तो मिल लीजिए। मैं संजना से मिल चुकी हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू विल टेक गुड केयर ऑफ हर। आई विल। मामा चले, देर हो रही है। वसु प्लीज, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सुजल की शादी होने तक वापस आ जाना, तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर। वीना, अगर इस बार सुजल की शादी हो जाए तो फिर तुम मेरी तरफ से उसे आशीर्वाद दे देना। हाँ, बाय एवरीवन, आओ ललित। सुजल भैया, कितनी अजीब बात है ना, इस साल हमने कितनी सारी खुशियां देखी लेकिन उतने गम भी देखे,
पर्सनली और प्रोफेशनली। हाँ वरुण, तुम ठीक कह रहे हो। जानते हो, ये जिंदगी लम्हों से बनी होती है, लेकिन हर लम्हा एक सा नहीं होता। आज अगर खुशी है तो कौन जानता कि कल का उगता हुआ सूरज जिंदगी का कौन सा मौसम दिखाने वाला है। बस हर हाल में मुस्कुराते हुए जीना पड़ता है। आई एग्री एंड आई रियली विश आपके जिंदगी में आने वाला हर लम्हा आपके लिए सिर्फ खुशियां लाए और गम आपके आसपास भी न भटके। कमाल है, मेरा छोटा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। मुझे तो पता नहीं चला कि मेरा ये छोटा भाई इतना बड़ा कब बन गया। मैं आपसे छोटा जरूर हूं, लेकिन मेरी शादी आपसे पहले हुई है, तो इस मामले में सीनियर कौन हुआ? हाँ भाई, सीनियर तो तुम ही हुए। सॉरी भैया, मजाक कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं सब आप ही की दी हुई है, और आज आपको खुश देखकर मैं सच में बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कशिश, क्योंकि जो खुशियां सुजल तुम्हें दे सकता है शायद ही कोई दे पाए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है कशिश। जानती हूं अक्षत, ये बात अलग है कि मुझे इसका एहसास देर से हुआ, क्योंकि तब मेरे दिल में कड़वाहट थी, लेकिन आज मेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं है। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया कशिश, एंड आई एम श्योर इस फैसले से सूजन और तुम्हारे बीच में जो भी फासले हैं सब मिट जाएंगे। हाँ अक्षत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं सारे फासले मिटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसी में सबकी खुशी है। सब मुझे सेटल हुआ देखना चाहते हैं। और तुम, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? ऑफ कोर्स अक्षत, मेरी खुशी सबकी खुशी में है। और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कशिश, विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम प्लान करेंगे कि आप दोनों की शादी कैसे होगी। ऑल द बेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, अब सुजल को, क्योंकि अब उसके पूरे दिन शुरू होने वाले हैं। महक, आज मैं बहुत खुश हूँ, सुजल भैया को फाइनली अपना प्यार मिल गया है ना। एक्सक्यूज मी, काश ऐसा होता वरुण। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सुजल का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, उनकी तकदीर में अभी कई इम्तिहान बाकी हैं। क्या हुआ महक? नहीं तो फिर? यू नो महक, मैं कशिश भाभी के लिए भी बहुत खुश हूँ। आई होप इस शादी के साथ उनकी जिंदगी में खुशियां भर जाए। हाँ वरुण, तुम ठीक कह रहे हो, शायद। चलो जल्दी चलो, शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। वरुण, शादी दी और सुजल की है, हमारी नहीं। ठीक है, तो गिफ्ट भी वही खरीद लेंगे। चलो उनके लिए गिफ्ट खरीद लें। चलो आओ। नमस्कार। अरे आप,
आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आइए ना, आइए बैठिए। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी बात टालेंगे नहीं। कैसी बात करते हैं आप? आप बेझिझक कहिए, हम पर आपका पूरा हक है। आप ये मानते हैं ना कि कशिश जैसे आपकी बेटी है वैसे वो मेरी भी बेटी है? यकीनन। तो हम लोगों ने सोचा है कि कशिश की शादी का पूरा खर्च हम लोग उठाएंगे। लेकिन देखिए, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे। प्लीज प्लीज आप हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने का एक मौका दीजिए। कशिश के प्रति हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम ये शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं डालूंगा। थैंक यू। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहिए ना, कहिए। शादी का खर्च हम लोग मिलकर उठाएंगे। प्रोफेसर साहब ये देखिए, मना मत कीजिएगा। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। अच्छा ठीक है जी, हाँ मैं कल किसी को भेज दूंगी। ओके चलो, ये काम भी हो गया। संजना, कल तुम मिस्टर कपूर के यहाँ जाकर कार्ड्स के सैंपल लेकर आना। जी मम्मी। और महक, तुम मेरे साथ चलना, कशिश के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। जानती हो लिविंग स्टोन वाले आ रहे हैं मुंबई से स्पेशल हमारे लिए। हाँ मैंने भी उनका नाम काफ़ी सुना है, वो लोग डायमंड ज्वेलरी में स्पेशलाइज करते हैं ना। मैंने तुम दोनों के लिए भी कुछ ऑर्डर किया है। तुम दोनों ने अपनी शादी इतनी जल्दबाजी में कर ली, मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। काश आज वसु यहां होती। आंटी आप भूल रही हो क्या, कल कशिश दी का रोका है। ओह, मैं तो सच में भूल गई थी। चलो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो बेटा आओ। प्रोफेसर साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बात पक्की हो गई भाई साहब, 10 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है, हम अपनी बहू लेने आपके घर आ रहे हैं। चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा हो जाए। खड़े हो जाइए। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कशिश, तुमने मेरे बेटे को स्वीकार कर मेरा दामन खुशियों से भर दिया है। मैं तुम्हारा स्वागत बड़े धूमधाम से करूंगी, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों तले होंगी। और देखना, हम ये शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग सालों साल याद रखेंगे। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन सूजन इस शादी को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस शादी के बाद उसके हर कदम पर उसकी बर्बादी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।